हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलीनोमियल, जिसका नाम है अब तक हम लोगों ने कुल 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और वहां पर जो आइडेंटिटी यूज हुई थी वो ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई थी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी सिर्फ इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस है, लेकिन कैसे ये देखने के लिए आपको समझना होगा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखिएगा राइट हैंड साइड, हम लोग इस वाली साइड से ये वाला लाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ठीक है, इसको पहले आपको लिखना होता है सिंपल से, तो मैं पहले 1/2x + y + z को लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब इनके मैं होल स्क्वायर खोल लेता हूँ। पहले आपको करना क्या है, पूरा साल यहाँ से लेकर बांध लेना है राइट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट है, उसके बाद अगली लाइन में सॉल्व करना है। लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, एक्सपेंसर ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर की क्या है, याद होगी आप लोगों को, ये होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बिल्कुल याद है ना बेटा। उसके बाद क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और लास्ट में आप लोगों को इसका करना है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, याद है आप लोगों को। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा देखो 1/2 सेम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अभी तक सेम है। ठीक है, ये 2 नहीं है z है। ठीक है बेटा, तो अब आप देखेंगे x यहाँ पर कितनी बार है, देखो एक गेरा कितने हो गए 2x2, तो ये 2x2 हो जाएगी, ध्यान से देखो इसमें 2y2 हो जाएंगे, और ध्यान से लगाएंगे तो 2z2 हो जाएंगे, बाकी आपके पास 2xy - 2yz - 2zx तो है ही। समझ में आ रहा आप लोगों को। अब इसमें से आप एक चीज देखिए, क्या चीज को बना रही है, कॉमन देखना है। ठीक है, आप देखेंगे 1/2x + y + z, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 कॉमन आपका हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x² + y² + z² ये फिर मैं बोलूंगा z है बेटा, और यहाँ से भी 2 सब बाहर आ चुका है, तो केवल xy - yz - zx आपके पास बचेगा। लेकिन एक चीज आप लिखेगा, ये 2 से 2 आपके यहाँ कैंसिल हो गया। अब आप इस वाले पूरे को इससे मैच करिए, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है x + yz यहाँ भी है और सेम बेटा यहाँ भी है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका बेटा x³ + y³ + z³ - 3xyz, आया समझ में आप लोगों को, बिल्कुल ये उल्टा मतलब रिवर्स फॉर्मूला बनेगा। आपको पहले क्या था, ये दिया था, ये आपको करना था, आपके आपको ये मिला है और आपने इसको ये बना दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसे नोट करिएगा, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक में आपको जो एक्सरसाइज 2.5 में दिया हुआ है वो है इफ x + y + z = 0, मींस आपके कोई भी 3 नंबर है उन तीनों को अगर ऐड करके 0 आता है तो प्रूफ करिएगा, यदि हम उनका क्यूब करके ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा 3xyz के। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया था ना बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 11 हमने सोल्व किया था उसी के बेस पे है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है, अब हम कैसे सोल्व करेंगे आप ये देखिएगा, सबसे पहले इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और आपको पहले लिखना होगा ये आइडेंटिटी वी नो। ठीक है, यहाँ पे लिखना वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कोमा लगा के पहले आप ये पूरा आइडेंटिटी सेम उतार देंगे। क्या है बेटा ये आइडेंटिटी, x³ + y³ + z³ - 3xyz दिया है x + y + z, और यहाँ पर है x² + y² + z². अब तो ये आपको अच्छे तरीके से मतलब रिवाइज हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है बेटा, ये है आपका फॉर्मूला। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है यदि x + y + z 0 हो, यहाँ पे हम देखेंगे इट इज गिवन दैट x + y + z = 0। ठीक है, यदि हम लोग इसमें x + y + z 0 रखते हैं तो क्या होगा, दैट इज लीनियर।
अब देखिए आप इस तरीके का मान बनाएंगे, इसलिए देयरफॉर एक्स का क्यूब प्लस वाई, फॉर्मूला वही सेम का सेम है बेटा, जेड का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका अपने पास से क्या हो गया जीरो, अपने पास में क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको जीरो गिवन है, तो फिर आपका ये पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा बेटा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड है आपका इस वाली आइडेंटिटी से। अब हमने तो क्या किया, आप लोगों को पहले ये आइडेंटिटी लिख के दी हुई है, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी पहले ही लिखी हुई है, इन केस पेपर में अगर होगा तो पेपर में थोड़ी ना आपको ये आइडेंटिटी लिख के देगा, आपको सिंपल ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको अपने पास से दिमाग में लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के आपको आंसर लाना है, ठीक है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा, पूरा जीरो हो गया, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड आपका यहाँ पर जाके मतलब जीरो है बराबर में, ये माइनस इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आप देख लीजिएगा ये आपका आंसर आ गया, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू होता है थ्री एक्स वाई जेड, लेकिन ये तभी आपस में बिना बराबर होंगे जब आपको ये पता हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये मिस्टेक है छोटी सी, प्लस जेड जीरो दिया हो, क्या दिया हो बेटा, जीरो, अगर जीरो है तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम इसी बेस पे समझ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में कुछ बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं क्या है वो क्वेश्चन नंबर 14, पहले आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है और किस तरीके से आप इसे करेंगे जिससे कि सिंपल हो जाए, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला एक बार लिख लूंगा, क्या क्या पढ़ा अभी हमने, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर होता है 3xyz, कंफर्म है ना बेटा, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखना है, और ये है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स आपको जो है मना किया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिख देता हूं पहले, फर्स्ट पार्ट है माइनस 12 का होल क्यूब, वेरी गुड, प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, ठीक है, उसने खुद बोला है कि आप लोगों को डायरेक्ट क्यूब नहीं करने हैं, ये जी कि आप 12 गुना 12 गुना 12 कर लें, ठीक है, इसकी वैल्यू 17 और 28 आएगी, इसकी 343 इसकी 15 आएगी, ठीक है, मतलब 125 आएगी, और उनको आप सॉल्व करें, नहीं उसने मना किया है, उसने कहा है आप इसको किसी आइडेंटिटी के माध्यम से सॉल्व करो, और देखो मुझे तो पता है ए का क्यूब बी का क्यूब या सी का क्यूब हमारा जो होता है वो इस आइडेंटिटी से मैच करता है, ठीक है, बात तो वही है ना बेटा, इस आप एक्स का क्यूब मान लो, इससे वाई का क्यूब मान लीजिए, इससे जेड का क्यूब मान लीजिए, तो वो बराबर हो जाएगा 3xyz के, लेकिन आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला तभी कारगर है तब आपके जब जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो, मीन्स आप यहाँ पर लेट करेंगे, देखिए पहले समझ लीजिए, पहले आराम से इसको आपको अपने पास से कुछ x मानना है, ठीक है, इसको y मानना है, इसको z मानना है, क्या है आपके पास माइनस 12 है 7 है और 5 है, ठीक है, अभी आपको पहले प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा है, देखिए जीरो आ रहा नहीं आ रहा, तो आप लिख दिए ना सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या जीरो है नहीं है, x की वैल्यू कितनी है माइनस 12, ठीक है, प्लस ये कितना है 7, प्लस ये कितना है 5, सोल्व करो, ये है आपका माइनस 12, ओके, और ये हो जाएगा 7 और 5 प्लस का 12, क्या जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, अगर जीरो आ गया इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3xyz, ठीक है बेटा, अगर जीरो नहीं आता तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कैसे करेंगे फॉर्मूला यूज, देखिएगा x का क्यूब कितना है आपके पास माइनस 12 का क्यूब, ठीक है बेटा, ये कितना है आपके पास 7 का होल क्यूब, ये कितना आपके पास 5 का होल क्यूब, तो इसका आंसर आ गया डायरेक्टली, बस आपको करना है 3 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस 12 में, की मल्टीप्लाई करनी है 7 में, की मल्टीप्लाई करनी है 5 में, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आएगा, करो मल्टीप्लाई 60 67 4 2 0 3 0 6 12 -1260 ये होगा आपका आंसर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको अभी और समझ और कुछ सवाल है एग्जाम्पल है उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिएगा क्या है हमारा इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है देखिएगा,
देखो प्रोसीजर तो आपके अब सेम ये रहने वाले हैं, ठीक है, चेंज तो होने से रहेगा, ठीक है। ये है 28 का होल क्यूब प्लस ये है माइनस 15 का होल क्यूब और ये है माइनस 13 का होल क्यूब। आपको कुछ नहीं करना, बस ये चीज ध्यान रखनी है जो अंदर जो जैसे क्यूब बना हुआ है, ठीक है बेटा, ये क्यूब बना हुआ है, इनको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इनकी बेस वैल्यू देखो, ये है 28, ये है 15, ये है 13। अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया तो बस ये फॉर्मूला आपका लगेगा, नहीं आया तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15, माइनस के साथ ये है माइनस का 13। फिर यहाँ पे आप लिखना 100 या चूंकि भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार से, इट इज गिवन दैट हमें पता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्हें ऐड करेंगे, पहले ये है आपका 28 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 15, माइनस के 13, प्लस के होंगे आपके पास 28 और माइनस के भी हो जाएंगे आपके पास 28, ये हो जाएगा आपका जीरो। समझा रहा बेटा आपका? और जब ये जीरो हो जाएगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब बराबर होगा अपने का 3xyz, ठीक है बेटा। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है फिर से देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा 28 का क्यूब, ठीक है बेटा, सेम यहाँ पे लिख लेते हैं, और माइनस 15 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 13 का होल क्यूब, और वो बराबर जो होगा 3xyz के हो जाएगा, और वो तभी फॉर्मूला बराबर होगा, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अगर जीरो नहीं आएगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए कितना है बेटा, 28 माइनस का क्या है 15 और माइनस का क्या है 13, बराबर उत्तर आप खुद लेके आएंगे, इन तीनों की आप चारों की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। आंसर ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस, इस बार प्लस में आंसर आएगा, बस आप जो भी आंसर है यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए इससे भी आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको अपने पास समझा देता हूँ कैसे इसको यूज करना है, इसको पहले मैं यहाँ से पूरा रफ कर देता हूँ। चलिए देखो क्या है हमारे पास कंडीशन, ये है हमें कोई भी तीन नंबर लेने हैं, ठीक है। सपोज करो मैं कोई भी तीन नंबर ले लेता हूँ, सिंपल सिंपल से लेता हूँ, जैसे 2 का मैंने क्यूब कर दिया, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब कर दिया, प्लस मैंने 4 का क्यूब कर दिया, या 1 का क्यूब कर देता हूँ, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। तो इन तीनों का जो क्यूब है वो हमने फॉर्मूला क्या बताया, ये फॉर्मूला बन गया देखो एक्स का क्यूब, ये बन गया वाई का क्यूब, ये बन गया जेड का क्यूब, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है, 3xyz, ठीक है, मींस ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा z का वैल्यू हो जाएगा। मींस ये है कि अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे बराबर में 3 × x की वैल्यू है 2 × 3 × 1 करना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चलो बराबर आएगा, कितना आ रहा देखिए, पहले 3 × 2 = 3 = 18 आ रहा है, अगर हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं तो 18 आएगा। आप 2 का क्यूब करो 8 आता है, ठीक है, फिर आप 3 का क्यूब करो 27, 1 का क्यूब 1, ये कितना आ रहा है, लेकिन ये तो यार 36 आ रहा है, क्या 36 बराबर है 18 के, नहीं है ना। सुनिए उसके लिए मैं क्या समझा रहा हूं, ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू और z के जो दी हुई है ना उन तीनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। समझा बेटा आप लोगों को, देखिएगा अभी मैं यही करके दिखा रहा हूं, ज्यादा दूर ना जाइएगा, इसको मैं यही प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो अगर मैं इसे सपोज करो माइनस 3 कर देता हूं, अब तो हो जाएगा ना जीरो, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू माइनस 3 है, जेड की 1 है, इन दो का तो जीरो आएगा 100% करके लिख लीजिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे देखे सही, एक तो 2 है, एक माइनस 3 है, एक प्लस 1 है, प्लस के भी 3 हो गए, माइनस के भी 3 हो गए ना जीरो। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर वही आएगा जो सेम मैंने बताया भी आपको। चलिए क्या आएगा देखो, पहले तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा ओनली 2, ये माइनस 3, ये 1, कुल मिला के हो जाएगा माइनस 18, इसके फॉर्मूले का अकॉर्डिंग करते हैं तो। और अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका क्यूब कितना आएगा 8, इसका आएगा माइनस 27, इसका 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 9 हो जाएगा, अब 27 में से अगर 9 जाएगा तो दिमाग लगा के देख लो माइनस का 18 नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब जो समझदार उनको समझ में आ गया होगा, अब जिनको समझ में नहीं आया है उनको समझाने के लिए क्या करना है ये भी समझ लीजिए, अब उनके लिए भी तरीका है हमारे पास समझाने का, ऐसी बात नहीं है कि कोई तरीके नहीं है,
बस आपको थोड़ा सा मन लगाना होगा, समझने के लिए पढ़ना होगा। देखो हमें क्या करना है, सवाल हम अपने पास से एक सवाल ले लेते हैं, ये है 18 का क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस हमने कर दिया 10 का क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस कर दिया हमने 8 का क्यूब, क्या ये सवाल सॉल्व होगा? देखो होने को तो हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ये आइडेंटिटी तब लगती है जब आपकी जो तीन वैल्यू दे रखी है उन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई माइनस ही नहीं, सारे प्लस है, तो जीरो कभी आएगा नहीं। अब हम क्या करें, हम इसको भी माइनस कर लेते हैं समझ करो, ठीक है, और इसको भी क्या कर लेते हैं बेटा, माइनस कर लेते हैं। तो क्या अब आपका जीरो आ जाएगा तीनों को जोड़ने पे? चेक करते हैं, लेट करेंगे, लेट ओहो लेट करना बेटा, लेट करना है। एक्स की वैल्यू कितनी है 18, वाई कितना है -10, जेड कितना है -8, ठीक है। पहले चेक करते हैं, चेक करने के लिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को जोड़ना होगा। 18 माइनस 10 माइनस 8 शनिवार होने तो ठीक है, अभी सब प्लस था माइनस कैसे हुआ, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएंगे। अब आपके पास प्लस के लिए 18 माइनस के लिए 18 करके जीरो बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा ना, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप लिखेंगे देयरफॉर हम यूज कर सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3xyz। सुनवा रहा बेटा आपको? अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना 18 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है -10 का क्यूब और यहाँ पर लिख देना है -8 का क्यूब, बराबर आएगा 3 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 18, ओके, y की वैल्यू है -10 इस माइनस का 8, बस कुछ भी नहीं करना आपको, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई में जब दो माइनस के साइन होते हैं तो उत्तर आपका प्लस में आता है, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो प्लस में होगा। कर लेंगे इस तरीके से, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, जरूरी नहीं है कि दो माइनस के मिलेंगे, हो सकता है एक ही माइनस का मिल जाए, जैसे कि माइनस का हमने कर दिया 17, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कर दिया 12 का क्यूब और यहाँ पे कर देते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन बुक में था क्या? जी हाँ, ये तो बुक में था, सॉरी नहीं बुक में नहीं था, वो अलग था, वो 12 का था। तो इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, क्या करना है, बस केवल ये वैल्यू चेंज करनी है, ये चेंज करनी है, ये चेंज करनी है, यहाँ पर आएगा -17, ये प्लस का 12 है, प्लस का 5 है, ऑप्शन भी कर दो आई थिंक सिंपल, देखो 12 और 5 17 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, बस तो खत्म। ये तो तरीका है करने का, दिखाने का कि हाँ जी इस तरीके से हुआ है, -17 प्लस का 12 प्लस का 5 और बेटा फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, माइनस के 17 है प्लस के 17 है, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको जबरदस्ती जी काटना है तो भाई काट भी दो, अगर कोई जल्द आपको जल्दबाजी हो रही है, x का क्यूब y का क्यूब सेम फॉर्मूला है और ये चेंज हो जाएंगे, इनको आप चेंज कर लीजिए प्लीज। ये चेंज करने पे क्या मिलेगा हमें, -17 ये होगा आपका 12 ये होगा 5, तरीका रहेगा सेम, 3 × माइनस इस बार माइनस में उत्तर आएगा, बताइए क्यों, कोई बच्चा है आप में से बताने वाला इसका उत्तर, आप बताएंगे कि माइनस में क्यों आ रहा है, बताओ, आवाज तो नहीं आ रही आपकी, आप मैं बताता हूँ मेरी आवाज देखो अब तक पहुंचेगी, माइनस अगर साइन है इन चारों में एक तो उत्तर आपका कैसा आना, माइनस का, अगर दो माइनस के हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, तीन हो जाएंगे तो फिर ये आपका कैसा जाएगा, माइनस का, लेकिन तीन माइनस का होगा ये संभव नहीं है, ठीक है बेटा, तीनों प्लस के होंगे ये भी संभव नहीं है, ध्यान सुन लीजिएगा आपका, इसकी कंडीशन एक ही है, या तो एक माइनस का होगा तो दो प्लस के होंगे, या फिर एक प्लस का है तो फिर दो कहते होंगे माइनस के, जब दो माइनस के आ जाएंगे इसमें तो उत्तर हमेशा प्लस, आपका आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा, और अगर एक माइनस का है तो फिर गारंटी है वैल्यू भी माइनस की आएगी, ये मैं लिख के दे देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, अब थोड़ा सा थ्री पर आप खुद दिमाग लगा लेना, लगा लेंगे क्या, पहले क्वेश्चन लिख दो, हाँ बच्चे कह रहे थे पहले क्वेश्चन लिख के दिखाओ क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा, देखो कितना आसान दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल एंड इजी, भाई क्यों बन जा, टू से क्या करना है, थ्री बनाना है, ठीक है सिंपल। अब आपको समझ में, देखो जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ गया होगा, बाकी तो लल्लू राम है, अगर समझ में नहीं आना आपको समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल तरीका था करने का, दो माइनस लेते हैं, माइनस के सपोज करो हमने 7 कर दिए, माइनस के 12 कर दिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस का 19 हो जाएगा, फिर वहां माइनस आना नहीं, क्योंकि
करके जीरो भी तो करना है ना उनको, ऐसे नंबर मानने होते हैं। यहाँ पर जो भी तीन नंबर आप लोगे ना उनको ऐसा एडजस्ट करना कि दोनों तीनों ऐड करके जीरो आ जाए। जैसे कि आप सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया है 25 और मैंने अगर प्लस यहाँ पे सोच लो भूल से भी 10 कर दिया, तो अब ये मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 35 लिखना पड़ेगा। ये है मजबूरी, ठीक है। चलिए और बस काफी है, ऐसे तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।